थर्मल एंड स्टेटिस्टिक फिजिक्स लेक्चर नाइन है वो चैप्टर नंबर थ्री है इंट्रेक्शन एंड एम्प्लिकेशन्स और आज हम एक डिफरेंट uh, सिस्टम जो कि पैरामैग्नेटिज्म है वो देखने जा रहे हैं हम देखेंगे कि हमने पहले जो सिस्टम डिस्कस किए हैं आइंस्टर्न मॉडल या फिर मोरटामिकॉडल गैस तो यह उससे किस तरह uh, मुख्तलिफ है की पॉइंट्स कुछ ये ही है पैरामेटिज्म कम्प्लिकेट एग्जाम्पल वेर इक्टिशन थ्योरम डज नॉट अप्लाई अप्लाई एट ऑल तो एक तो ये इसमें इंटरेस्टिंग है जो हम देखेंगे कि इक्वपार्टिशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता इक्वार्टिशन थ्योरम में हमें बताता है कि आपके पास हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम देखेंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उसको हम कंक्लूड करेंगे नेगेटिव टेम्परेचर क्या ना ओनली फॉर सिस्टम्स हुज टोटल एनर्जी इज लिमिटेड तो नेगेटिव टेम्परेचर किस तरह हैरानकुन नहीं है और ये कैसे सिस्टम में अपेयर होता है ये भी हम देखेंगे और एक और फैक्ट है जो कि मैग्नेटाइजेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये हाई टेपरेचर लिमिट है और इसको हम कहते हैं क्यूरियस लॉ तो स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिज्म से कि हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म क्या चीज़ है और जैसे मैंने आपको बताया एक कॉम्प्लिकेटेड uh, एग्जाम्पल है प्रीवियस दो जो एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं एक आइंस्टाइन सॉलिड और दूसरा मोनोटामिकाइडल गैस दोनों इस सवाल से आसान थे हमारे पास कि वो नॉर्मल सिस्टम थी नॉर्मल इंसेंस जो हम टर्मिनोलॉजी बिल्डअप कर चुके हैं एनोलॉजी में कि एक तरह नॉर्मल सिस्टम होते हैं एक माइजर्स होते हैं और एक इन होते हैं तो नॉर्मल सिस्टम है यानी कि उनको अगर आप टम्परेचर दें Uh, उनको एनर्जी दें तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये तो डिफरेंट होगा हमारे पास और इसे इक्वी पार्टीशन भी होल्ड नहीं करेगा रोटेशन और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है इसकी द सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ एन स्पिन हाफ पार्टिकल्स इमर्ज इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और की डायरेक्शन है जेड के लॉन्ग तो ये हमारे पास सिनेरियो है के स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और स्पिन हाफ पार्टिकल्स को सिर्फ आप एक मैग्नेटिक नीडल ट्रीट कर सकते हैं और जो के uh, पड़े हुए हैं मैग्नेट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और की डायरेक्शन है जेड के लोंग और इन डाइपोज को आप ट्रीट कर सकते हैं कि ये सिर्फ मैग्नेटिक नीडल्स uh, हैं और इनकी आपस में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देख लेते हैं एक कंज्यूम कर लेते हैं कि इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल जो स्पिन है या इंडिविजुअल टाइपोल है क्वांटम मकैनिक्स के मुताबिक जो हमारे पास इस तरह के मॉडल पार्टिकल हैं स्पिन हा पार्टिकल्स उनकी सारी कोई वैल्यू अलाउ नहीं होती और उसमें जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जिसे या फिर कहें कि इसकी जो अलाउड वैल्यूज हैं वो क्वांटाइज हैं वो सिर्फ दो ही हैं एक वो हम कहते हैं उसे अप और दूसरे को कहते हैं डाउन तो बाकी ये पॉसिबल त्रिमान में मिड में फोर्टी फाइव एंगल पे या किसी और एंगल पे ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे कि हमने z के along अलाइन किया है फील्ड को तो और कॉन्स्टेंट फील्ड है तो जो डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी उनकी एनर्जी कम होगी और अगर आपने उसको फ्लिप करना है डाउन करना है तो आपको सिस्टम में एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी उस, उसको सिस्टम को फ्लिप करने के लिए तो इस वजह से जो आपके पास अप स्टेट है उसकी एनर्जी कम है तो मायस म्यू भी और जो डाउन स्टेट है अगर आपको किसी डाइपोल को डाउन करना है तो आपको उसको रोटेट करके नीचे की तरफ लेके आना होगा आपको डाउन उसके ऊपर करना होगा तो इस वजह से डाउन की एनर्जी हाई है और आपको अब आप से डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी माइनस म्यू बी से लेकर प्लस म्यू बी तक लेने जाने के लिए वो है टू म्यू बी तो ये हमारे पास सिस्टम है स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टेंट मेडिफे में पड़े हुए हैं दो पॉसिबल अलाउड स्टेट्स हैं अप और डाउन अप स्टेट की एनर्जी कम है और डाउन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है एक फ्लिप करने के लिए आपको टू म्यू बी एनर्जी देनी पड़ेगी तो टोटल एनर्जी सिस्टम की देख लें वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो आपके पास डाउन स्टेट है उसकी एनर्जी है म्यू बी म्यू बी डाउन स्टेट की प्लस म्यू बी है तो म्यू बी मल्टीप्लाई बाई एन जितने नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं आपके डाउन है तो उतनी एनर्जी होगी क्योंकि हर एक स्पिन की एनर्जी है म्यू बी तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाउन है सबको मिला के हमारे पास एनर्जी होगी म्यू बी एन डाउन और इसी तरह हमारे पास अप भी होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो उनकी हमें पता है कि नेगेटिव है तो म्यू बी नेगेटिव और जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एन अप है तो ये हमारे पास नेगेटिव इसलिए वो होता है तो सम हो गया एनर्जी का ये म्यू बी एन डाउन माइनस एन अप आप।, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि टोटल जो नंबर है हमारे पास डाइपोल्स का एसपिन हा पार्टिकल्स का वो कॉन्स्टेंट है एन इजिकल टू तो एन डाउन प्लस एन अप तो एन डाउन की जगह पे एन डाउन की जगह पे आप पुट कर सकते हैं एन माइनस एन अप तो यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा मू बी इन टू एन माइनस टू एन अप इस तरह मैगनीटाइजेशन के टोटल मटेरियल की मैंने मैगनीटाजेशन देखना है कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है तो वो सारी डाइपोल मोमेंट्स या सारी स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं उनका आ, सम होगी हमारे पास तो ये है ये तो डाइपोल मोमेंट होगी हमारे पास और ये अप के लिए हमने पॉजिटिव लिया हुआ है डाइपोल मोमेंट मैग्नेटाइजेशन और डाउन के लिए हमने ली हुई है नेगेटिव तो इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज कर लें इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज कर लें तो आप ये देखते हो कि बी uh, को डाउन ले जाएं तो ये बन जाएगा म्यू बी तो ये बन जाएगा बी और ये भी जाता रहेगा और ये म्यू एन डाउन माइनस एन बन गया और चूंकि यहाँ पे एन अप है यहाँ पे अप पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको आ, आ, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपके पास एन डाउन एन नेगेटिव होगा और एन डाउन पॉजिटिव होगा तो ये मैग्नेटाइजेशन और एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है हमारा मकसद इस केस में ये है कि हमने एनर्जी और मैनिटाइजेशन को देखना है कि वो कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं और अगर हमारे पास सिस्टम है जैसे कि सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल है अप एंड डाउन तो आप इसको आसानी से मॉडल कर सकते हैं जो टू स्टेट कॉइन मॉडल है हमारे पास कि कॉइन की भी दो स्टेट होती हैं एक टेल या हेड तो इस केस में ये भी वही है अप और डाउन तो जो मल्टीप्लेसिटी आपके पास Head on tail में use हो रही थी, आप एग्जैक्टली वही टू स्टेट सिस्टम की मल्टीप्लिसिटी uh, इस पर अप्लाई कर सकते हैं और टू हेड के क्रॉस एंड सॉन तो इधर हम डिनोट करेंगे सिर्फ अब के क्रॉस पॉइंट के गिवन माइक्रो कितनी माइक्रोस्टेट हैं जिनमें नंबर ऑफ स्पिन कितनी अप है जीरो अप है टू अप है थ्री अप है तो ये हमें मल्टीप्लीसिटी देगा ईच माइक्रो स्टेट और माइक्रोसेट हम किसे डिनोट करें नंबर ऑफ अप स्पिन से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं सिस्टम का अगर आपके पास इस रीजनेबली स्मॉल सिस्टम है जैसे 100 स्पिन है 75 स्पिन है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे कि ये हंड्रेड स्पिन के लिए एक सिस्टम लिया गया है और मैक्रो स्टेट जैसे मैंने आपको बताया हम लेबल करेंगे नंबर ऑफ अप स्पिन से और जो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी हम देख सकते हैं और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हर कॉलम इसमें बनाया गया है जैसे कि सेकंड कॉलम है सेकंड कॉलम जो वैल्यू ली गई है वो ये है ये हमने इसको रीअरेंज किया है सेकेंड कॉलम किया न जी यू ओवर म्यू बी और वो बन जाएगा एन माइनस टू एन अप तो एक्जैक्टली exactly हमने यहाँ पे यही किया है कि यू डिवाइड बू बी इज एक टू एन माइनस टू एन अप तो जैसे कि अगर आपने ये कंप्यूट करनी है मैंने फर्स्ट uh, वैल्यू तो आपको नंबर ऑफ अप स्पिन यहाँ पे पुट करनी होगी तो यहाँ पे पुट कर दें नंबर ऑफ अप स्पिन वो है हंड्रेड तो ये बन जाएगा माइनस टू हंड्रेड और टोटल नंबर ऑफ स्पिन मैंने जैसे बताया हमारे पास यहाँ पे एन है एन यहाँ पे डिनोट कर दू मैं एन की वैल्यू है हंड्रेड टोटल हंड्रेड है तो हंड्रेड में से आप टू हंड्रेड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस वन हंड्रेड तो ये हमारे पास माइनस वन हंड्रेड नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट कॉलम एग्जैक्टली उसी जो नीचे वाली क्वेश्चन थी उसको रीअरेंज करके लिखा गया जैसे कि हम देख लेते हैं इसको ये देखिए आप इसको पूरे एक्सप्रेशन आप एम से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा ये एम एन आ गया और यहाँ पे भी एन आ जाएगा और पूरे एक्सप्रेशन को आप म्यू से डिवाइड कर दें अगर ये म्यू तो म्यू म्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एम म्यू एन एम ओवर म्यू एन इज इक्वल टू एन अप माइनस एन डाउन डिवाइड बाई एन तो इस तरह से हमने थर्ड कॉलम कंप्यूट किया और आप अगर वैल्यू पुट कर लें इसमें वो ये है कि नंबर ऑफ जैसे मैंने स्पिन बताई एन हमारे पास है हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड और अगर आप यहाँ पे पुट करें वैल्यूज तो एन अप है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ये जो वैल्यू कंप्यूट की है वो है अप हंड्रेड हैं और डाउन ज़ीरो होगी ओके सारी स्पेन अप है और नीचे भी हंड्रेड तो हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू वन तो ये आएगा आपके पास हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड ठीक है तो इस तरह से हमने ये आ, थर्ड कॉलम कंप्यूट किया फोर्थ कॉलम आपको पता है कि ये मल्टीप्लीसिटी है आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे नंबर ऑफ अप स्पिन पुट करोगे एन फिक्ट आपके पास हमेशा ये एन हंड्रेड आएगा तो आप और अगर आप पहली कंप्यूट करना चाहते हैं इस केस में ये तो एन डाउन फेक्टोरियल एन फैक्टोरियल हमारे पास जो डाउन है नंबर ऑफ स्विंथ वो ज़ीरो हो जाएगा और एन अप हमारे पास आ जाएगा 100 तो ये रिजल्ट आएगा सिर्फ वन इसी तरह आ, ये कॉलम है हमारे पास कॉलम नंबर फाइव और यहाँ पे सिर्फ हमने मल्टीप्लिसिटी का लॉग लिया है और यहाँ पे कंप्यूट किया जीरो का लॉग हमारे पास वन का लॉग हमारे पास जीरो होता है सिक्स हम कंस्टर्ट किया है हमने एनर्जी और इन ट्रॉपी ग्राफ की स्लोप ली है हमने तो एनर्जी और एन ट्रॉपी ग्राफ की आप स्लोप ले तो आपके पास क्रॉस वैल्यू ही जाएगी आ जाएगी और तो इसमें जो वैल्यूज हमने जो मेथड इस्तेमाल किया वो है सेंट्रल डिफरेंस जैसे कि मैंने कि ये वैल्यू कंप्यूट करनी है ये वाली तो उसके लिए मैं लूँगा क्रॉस ये वाला कॉलम है डेल्टा यू यू वाला और ये वाला कॉलम है इन ट्रॉपी का तो पहले मैं वैल्यू लूंगा ये वाली माइनस नाइंटी सिक्स आएगा ये कंप्यूट करके देख लेते हैं ये हमारे पास है माइनस नाइंटी सिक्स अच्छा और ये दूसरी वैल्यू ये है ये लूंगा दरमियान वाली वो वाली छोड़ देनी है वैल्यू जिसको हम कंप्यूट कर रहे हैं तो आएगा माइनस माइनस हंड्रेड ठीक और आप अगर इसको आ, कर लें डिनोमिनेटर दिनो, में क्या आएगी डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू आएगी ये है एट पॉइंट फाइव और दूसरी वैल्यू है ये ज़ीरो तो माइनस ज़ीरो आ जाएगा तो ये इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हैं आसानी से और ये आप देखोगे कि ये वैल्यू आएगी पॉइंट फोर सेवन और क्यों यहाँ पे के टी और म्यू बी क्यों अपेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ जो हम कॉलम की वैल्यू यूज कर रहे हैं ये भी यू के साथ म्यू बी तो यहाँ पे म्यू बी आ जाएगा ये भी मैं क्योंकि इसमें म्यू बी है और इसके साथ के है तो यहाँ पे भी के आ जाएगा इस वजह से यहाँ पे आप कॉलम में म्यू के भी देख रहे हो सेवन कॉलम एग्जैक्टली ली गई है वो स्लोप ले गई है तो इस बार आप कॉलम यूज करोगे ये वाला डेल्टा यू वाला और दूसरा कॉलम है आपके पास सॉरी डेल्टा टी वाला और आपके पास दूसरा कॉलम है डेल्टा यू वाला तो म्यू बी म्यू बी इस केस में हमारे पास दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे लेकिन के पे रोगा और हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो है हीट कैपेसिटी पर यूनिट पर नंबर ऑफ जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इस वजह से एन सीज को डिवाइड किया तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है अब हम इनको प्लॉट करेंगे और इसके फीचर्स देखेंगे तो ये हमारे पास अगेन ये है इसको मैंने प्लॉट की सिर्फ ये यू म्यू बी औरजेंटल पे ये है ये माइनस हंड्रेड से लेके ये माइनस हंड्रेड से लेके हंड्रेड तक आप हॉरिजेंटल देख रहे हो जीरो पर जीरो ये हमारे पास है और इससे क्रॉस पॉइंट हमने एस ओवर की के की वैल्यू पुट किया है जो कि इन ट्रॉपी है तो माइनस हंड्रेड पे इन ट्रॉपी जीरो है प्लस हंड्रेड पे इन ट्रॉपी जीरो है जीरो पे हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं ये स्मूथ हमारे पास सेमी सर्कल नुमा हमारे पास एक ग्राफ हुआ है तो ये हमें ग्राफ ये कह रहा है कि अगर आप स्टार्ट होते हैं कि सारी की सारी स्पिन अप हो और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम का टेम्परेचर एनर्जी बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे जाहिर बात है आपके पास एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या होगा उसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और कब तक बढ़ेगी जीरो तक तो जैसे आप सिस्टम में एनर्जी uh, प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारी एनोलॉजी के मुताबिक जैसे आप सिस्टम में एनर्जी ऐड uh, कर रहे हैं तो वो मोर जेनरस होता जाता है मोर जेनरस क्या है मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें विलिंगनेस और बढ़ती जा रही है कि वो दूसरे सिस्टम को एनर्जी दे तो इसे जेनरोसिटी हमने कहा था तो टी यू इज इक्वल टू जीरो पे आप देख रहे हैं कि पैरामैग्नेट जो है हमारे पास इनफीट फाइनेटली जेनरस हो जाता है कि अब वो कोई भी फाइनाइट टेम्परेचर का सिस्टम आएगा तो उसको वो टेम्परेचर दे देगा तो ये जियो पे हमें देखने की आपको जो इंट्रॉपी है वो मैक्सिमम नजर आ रही है इसके बाद आप जब बढ़ाते हो तो देख रहे हो कि आपके पास इंट्रॉपी डिक्रीज हो रही है तो अब यानी कि इंट्रॉपी जीरो इसके जीरो एनर्जी के बाद सिस्टम विलिंग नहीं है रहा कि वो आप एनर्जी ले वो सिर्फ वीलिंग है कि ना दूसरे सिस्टम को अनर्जी दे वो कोई फाइनाइट टेम्परेचर का आपके पास इसके साथ सिस्टम होगा तो ये उसको इंट्रो इसको अनर्जी पर दे देगा और आप इसे जैसे कि ये स्लोप में नजर आ रही है क्योंकि अनर्जी और एंट्रॉपी की जो हमारे पास स्लोप है वो बेसिकली टेम्परेचर है अनर्जी और एंट्रॉपी की स्लोप हमारे पास टेम्परेचर हम पीछे देख चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर नेगेटिव होना शुरू हो गया यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि जीरो पे जीरो एनर्जी पे टेम्परेचर इन्फिनिट है पहले ये देखें 50.5 था एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे तो जैसे आपने जीरो किया तो इन्फिनिट हो गया फिर एकदम ही माइनस फिफ्टी हो गया टेम्परेचर तो नेगेटिव टेम्परेचर क्यों अपेयर हो रहा है यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि स्लो नेगेटिव है तो स्लो आप इस थर्मोडाइनमिक सिस्टम में नेगेटिव टेम्परेचर अपेयर हो सकता है तो नेगेटिव टेपरेचर को आप ले सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव टेम्परेचर से इस पॉजिटिव टेम्परेचर से ज्यादा आपके पास वो टेम्परेचर है यानी कि इन्फिनिटी से भी ये ज्यादा माइनस फिफ्टी पॉइंट फाइव ये टेम्परेचर है पहले सिस्टम जो था इंफिनिट टेम्परेचर uh, uh, था अब उसका मोर देन इन्फिनिट हो गया और इन अदर वर्ड्स कि पहले जेनरस था अब इन्फिनाइटली जेनरस हो गया सिस्टम अब ये कोई भी फाइनाइट सिस्टम आएगा उसको ये एनर्जी uh, प्रोवाइड करेगा इसको देखने का एक अच्छा तरीका कार्य है इफ यू टॉक्ट वन टू ओवर टी सॉरी आप ये देखें कि ओवर टी कैसे यहाँ पे वर्क करता है तो हम ओवर टी को ग्रेड इन कहेंगे पहले जब आपका टेम्परेचर कम था लेट से आप कह लेते हैं कि वो है जीरो था तो वन ओवर जीरो क्या होगा इन्फिनिट मतलब इन्फिनिट ग्रेड इनस है कि वो अब बहुत ही लालची है के एनर्जी लेने के लिए तो जहाँ से भी एनर्जी मिले वो ले लेगा लेकिन जैसे आप ये टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो तो एक पॉइंट आता है इसमें ग्रेडनेस कम होती जाती है इसमें जो एनर्जी लेने की जो लालचपन है वो कम होता चला जाएगा कि अब ये जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो एनर्जी अब कम लालची है एनर्जी के लिए लेकिन जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो एग्जैक्टली exactly, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया इन्फिनिट वन इन्फिनिट क्या हो गया जीरो तो यहाँ पे जाके इसकी हो जाती है कि अब ये ग्रीडनसर्जी रिसीव करना ही नहीं चाहता इसके बाद जब नेगेटिव होता है तो वो आपके पास ग्रीडनेस जो नेगेटिव नजर आने लगी जाती है तो इसका मतलब है ये उल्टा समझने के नाराज हो रहा है इसके लिए आप अगर इसको आप अनर्जी प्रोवाइड करें तो ये जो साथ आपके पास कोई सिस्टम होगा जिसकी फाइनाइट टेम्परेचर होगा तो ये उसको एनर्जी देता चला जाएगा उसमें हीट ट्रांसफर करता जाएगा तो जैसे मैंने बताया द सिस्टम हैज जीरो ग्रेडनेस नेगेटिव फॉर हायर एनर्जीज तो इसके बाद आप नेगेटिव देखोगे तो ये पहले तो लार्ज पन था इसमें एनर्जी लेने के लिए लेकिन यहाँ पे आगे खत्म हो गया ये उल्टा फिर दूसरे सिस्टम को देने के लिए तैयार है लेकिन लेने के लिए एनर्जी तैयार नहीं है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर का ग्राफ है कि कैसे आप एनर्जी बढ़ाते चले जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था अनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा है बढ़ा है यहाँ पे यहाँ पे और जीरो के करीब आके वो टेम्परेचर इन्फिट हो जाता है उसके बाद मजीद बढ़ाते हैं तो ग्राफ आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो ये आप देखें कि दोनों जो ग्राफ हैं दोनों साइड पे सिमेटिक हैं और इसको आप अदर वर्ड समझ सकते हैं कि जैसे आपने एनर्जी प्रोवाइड करते चले गए तो यहाँ पे जो आपके पास सिस्टम ज्यादा लाइन था डाई ज्यादा लाइन थी और जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते गए जी के साथ तो सिस्टम जो है लेस लाइन होता जा चला गया और यहाँ पे एक पॉइंट आया जब अंदर जी जीरो हुई है तो फिफ्टी परसेंट जो थी डाइपोज थी फिफ्टी परसेंट यह देखें डाउन थी तो उसमें रेंडमनस सबसे बड़े ज़्यादा बढ़ गई रेंडमनस बढ़ गई तो उसकी इंट्रॉपी मैक्सिमम है ये आप देख रहे हैं कि इंट्रॉपी उसकी मैक्सिमम है इसके बाद जो आपके पास पिन है उनमें वो रेंडमनस नहीं रही वो ज़्यादा अप हो गई या फिर ज़्यादा डाउन हो गई जैसे इस केस में नजर आ रहा है कि वो जो स्पिन है ज्यादा डाउन होती चली जा रही है और ज्यादा ऑर्डर आता जा रहा है सिस्टम में इस वजह से उसकी इंट्रॉपी कम होती चली जा रही है तो यहाँ पे भी आप देखें कि ऑर्डर की वजह से टम्परेचर कम होता चला जा रहा है असल में सिस्टम में इतनी टेंडेंसी रही नहीं थी कि वो मजीद एनर्जी इस इसकी इस पॉइंट के बाद सिस्टम में टेंडेंसी रही नहीं थी कि वो मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो इसको इसके बाद सात जो सिस्टम थे उनको नजी देना शुरू कर दी तो नेगेटिव टेम्परेचर हम कैसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्फिनिट से भी अब टेम्परेचर आप ले सकते हैं और इसकी ज़्यादा डिजायर है कि ये किसी भी सिस्टम को जिसका टेम्परेचर फाइन है उसको नजी ये दे सकता है नेगेटिव चर कैन अकर ओनली फॉर फोरा सिस्टम टोटल एनर्जी इज लिमिटेड तो यहाँ पे एनर्जी की लिमिटेशन की वजह से आपको नेगेटिव टेम्परेचर नजर आया कि एक हद आ गई उसके बाद वो टेम्परेचर एनर्जी एबजॉर्व कर नहीं सकता था कोई उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम थी नहीं थी कि वो एनर्जी को अरेंज कर सकता अपने अंदर इस वजह से उसने नेगेटिव टेपरेचर वाला बिहेवियर शो किया है और एग्जाम्पल जो हमें ये बता रही है कि जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर पेयर हो गया है ये फंड टेम्परेचर हमारे पास बेसिकली एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कुछ और है वो है एंट्रोपी टेम्परेचर में सिर्फ एक सिस्टम की करक्टराइजेशन है कि वो कितना विलिंग है दूसरे सिस्टम्स को एनर्जी देने के लिए अगर हमारे पास कम टेम्परेचर है तो इसका मतलब है वो कम विलिंग है सिस्टम system, दूसरे सिस्टम्स को एनर्जी देने के लिए और अगर ज़्यादा विलिंग है तो इसका मतलब है वो सिस्टम दूसरे सिस्टम को एनर्जी देने के लिए ज़्यादा विलिंग है तो टेम्परेचर सिर्फ इसी को करेक्टराइज कर सकता है हीट कैपेसिटी हमने आइंस्टाइन सॉलिड में मोटामिकाइडल गैस में पिछले लेक्चर में हमने कैलकुलेट की थी और देखा था कि वो कांस्टेंट है इक्विपार्टीशन थ्योरम यही पीडिक करता है लेकिन इधर ऐसा नहीं है ये देखें हीट कैपेसिटी पहले कम है और फिर उसके बाद बढ़ती चली जाती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि सिस्टम में आपको आ, एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या, एक केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको काफी सारी हीट देनी पड़ेगी ये तो आपको यही बता रही है हीट कैपेसिटी और एक हद के के बाद आपको इंक्रीज करने के लिए सिस्टम का काफी कम एनर्जी नर्ज, देनी पड़ती है तो आप ये देखें कि ये अपोज कर रही है जीरो को तो ये पॉइंट जहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट जीरो को अपोज करने लग गई है तो ये ये बता रहा है कि आप थोड़ी सी एनर्जी दे के सिस्टम को इस पॉइंट पे उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो तो इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं कि एनर्जी आपको क्या, कितनी हीट देनी पड़ती है एक डिग्री टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज करने के लिए तो पहले हमें क्या करना पड़ा था ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी एक टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने के लिए सिस्टम का लेकिन फिर कम होना शुरू कम होना शुरू और बहुत ही आखिर में कम हो गई कि आप थोड़ी सी एनर्जी देके सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप तो ये हीट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो थ्योरम ये, पार्टिशन ये नहीं करता था तो ये हमने देखा पैरा मैग्नेटिज्म में कि हीट कैपेसिटी आपके पास कांस्टेंट नहीं है दूसरी तरफ मैग्नेटाइजेशन की अगर बात करें आप तो ये देखें कि पूरे जो नंबर ऑफ जो डा, डाइपो आपके पास स्पिन थी पहले वो थी अब पहले वो थी आपके पास लेस लाइन थी और फिर टेम्परेचर जैसे बढ़ता गया तो वो अलाइन होती चली गई अलाइन होती चली गई और एक पॉइंट आया तो उनकी अलाइनमेंट मैक्सिमम हो गई मैक्सिमम मैक्मम वैसी जो सारी एक ही डायरेक्शन में खड़ी हो गई फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर वो जो अलाइनमेंट थी ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई फिर अलाइनमेंट वो डिसाइन होना शुरू किए गए हो गए जो टाइप से फिर ये दोबारा रैंडम होना शुरू हो गया उनमें जो उसका पैटर्न था कि अलाइनमेंट उसमें टूट चली गई फिर ये

ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी टेंडेंसी नहीं थी तो फिर दोबारा उसने साथ वाले सिस्टम को टेम्परेचर दे के अपना जो अपना ऑर्डर इंट्रॉप कम करना शुरू की और अपना टेम्परेचर जो है मेडिटेशन कम करना शुरू किया और अपनी एनर्जी अन, कम करना शुरू की एट जीरो सिस्टम विद ऑल द पॉइंटिंग अप तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया जीरो टेम्परेचर पे आपके पास जो सारी की सारी जो सिस्टम सेचूरेट हो गया वो सारी की सारी डाइपोजी पॉइंटिंग बहुत यही मैक्सिमम है आप इसे टेम्परेचर दे देंगे तो आप इसको डिसलाइन करेंगे अब आ जाए बात करें एनालिटिकल सोल्यूशन में और आ, हमें तो सोल्यूशन के तो फीचर देख लिए लेकिन एनालिटिकल सोल्यूशन के लिए हमें सपोज करना होगा कि हमारे पास सिस्टम बहुत ज़्यादा है बड़ा है और आ, जो एलिमेंट्री डाइपोलोस उसमें बहुत ज़्यादा है और इतनी ज्यादा है कि आप इंडिविजुअली अप और डाउन वो भी सेपरेटली लार्ज है अगर हम ये कंडीशन रखेंगे तो तभी हम फील्डिंग अप्रोक्सीमेशन जो है यूज कर सकेंगे तो शुरू हो जाते हैं इन ट्रॉपी के फार्मूला से एस ओवर के जी कर लॉक ओ मेगा एन अप और इसका फार्मूला है हमारे पास लॉग एन और एन अप फैक्टोरियल और एन डाउन फैक्टोरियल लॉग की प्रॉपर्टी यूज की ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव और अब आप अप्लाई कर दें इसके ऊपर स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन तो लॉग एन फिक्ट होता है एन लॉग एन माइनस एन और लॉग एन अप क्या होगा माइनस एन अप लॉग एन अप और यहाँ पे माइनस होता है बाहर माइनस है तो प्लस कर देगा तो एन अप हो गया एग्जैक्टली exactly सेम चीज़ हमने इसके ऊपर अप्लाई की तो आप यहाँ पे देखेंगे ये माइनस में एन है ये प्लस में एन है ये प्लस में एन है और ये माइनस में एन है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा बाकी ये तो ये था इन ट्रॉपिक का इन हमारे पास सिस्टम की इन ट्रॉपी अब बात करते हैं अगर टेम्परेचर की तो हमें उसका डेरिवेटिव लेना होगा इन ट्रॉपिक का विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी बाय कीपिंग एन एंड बी कॉन्स्टेंट इसको मैंने यूज कंप्यूट uh, करने के लिए चेन रूल यूज़ किया है तो चेन रूल है कि अगर आपके पास एन अब का डेरीवेटिव uh, हो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी और आपका इन ट्रॉपिक का डिटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एन अब तो आप जो कंप्यूट कर सकते हैं तो एन अब का रिलेशन हमारे पास मौजूद है जो कि है ये आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं एन तो ये यू डिवाइड म्यू भी हो जाएगा यू डिवाइड बाई म्यू भी और एन यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो यू डिवाइड बायू भी माइनस एन हो जाएगा और यहाँ से माइनस आप मल्टीप्लाई करें और टू को सौ भेजें तो आपके पास ये एन अप का रिलेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो फिर आप डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं एन अप का आ, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी तो, तो यहाँ पे हमने वही किया और रिजल्ट आया माइनस वन ओवर टू म्यू बी माइनस वन ओवर रिजल्ट आया अब बात करें पार्शियल एस और पार्शियल एन फिक्टर तो आप इसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं इसमें देखें एन लॉग एन इस डेरिवेटिव के मुताबिक कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म एन वाली एक टर्म आपके पास आ, आपके पास दोनों टर्म एक टर्म में एन डाउन ओपेयर हो रहा है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डेरीवेटिव और डेरीवेटिव होता है हमारे पास लॉक का वन ओवर लॉक एक्स का होता है वन ओवर एक्स तो आप वो यूज़ करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली जी ये है रहा हमारे पास टेम्परेचर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं तो हमें पता है कि नॉल एन इक्वल टू एन ओवर टू माइनस म्यू ओवर टू म्यू बी जिसका हमने बेसिकली डेरिवेटिव लिया है और डेरिवेटिव लेने के बाद ये देखें ये हमारे पास ये रिजल्ट आया माइनस वन ओवर टू म्यू बी तो इसका रिजल्ट देख सकते हैं आपके पास आएगा अगर एन अप का लेने विद रिस्पेक्ट टू यू तो माइनस वन ओवर टू म्यू बी आएगा इसको आप पुट करें तो आपके पास ये आ गया वन वी का जो टेपरेचर है वो आप इन टर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं अब बात करें अगर आप एनर्जी की तो एनर्जी के लिए आपको इसको uh, इसी एक्सप्रेशन में से एनर्जी को आपको अलग करना होगा सेपरेट करना होगा तो ये मेरे पास टू म्यू बी वहाँ पे डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई uh, हो गया और के यहाँ पे मल्टीप्लाई और रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये टू म्यू बी और के टी आ गया और साथ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है अब मैंने ये किया है कि इसका एक्सपोनेंट uh, ले लिया तो ये एक्सपोनेंट इसका चला गया ऊपर टू में बी ओर के टी एक्सपोनेंट में आ गया और लॉग यहाँ पे पेंसिल कैंसिल हो गया मजीद आप यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एन प्लस म्यू यू ओवर म्यू बी डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास एक्सप्रेशन है अब मजीद इसको थोड़ा सा यू के लिए सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिखा जा सकता है यू इजिकल टू एन म्यू बी इन टू वन माइनस ई पावर टू म्यू बी और के टी ओवर वन प्लस ई पावर टू म्यू बी और के टी तो ये एक्सप्रेशन जो है आप इसे एक्सपोनेंट्स uh, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन और कोसाइन उसको यूज करते हुए आप ये बना सकते हैं आसानी से तो आप देखेंगे ऊपर आपके पास साइन और कोसाइन बन जाएगा उस नेगेटिव अपेयर हो जाएगा तो ये हमारे पास एनर्जी मेडिटेशन देखनी है हमने मेडिटेशन का हमें फॉर्मूला पता है और वो है नेगेटिव ने, नेगेटिव यू और बी नेगेटिव यू ओवर बी तो नेगेटिव यू और बी तो है एन म्यू टेन हाइपरबोलिक म्यू बी ओवर केटी तो ये मेडिटेशन है टेन हाइपरबोलिक का फंक्शन अगर आपको याद है तो हमारे पास टेन हाइपरबोलिक का फंक्शन ये होता है दरमियान में ये थोड़ा सा लीनियर है जीरो के करीब और फिर जाके आपके पास ये अगर आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वन पे सेचूरेट हो जाता है और अगर आपके पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास ये माइनस वन पे सेचूरेट हो जाता है अब बात करें अगर हीट कैपेसिटी की कि, कि हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या आएगी तो हीट कैपेसिटी का डेरिवेटिव आप लोग कैलकुलेट करना होगा यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वो आप यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन अपेयर हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेन हाइपर फंक्शन तो टेन हाइपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेंगे आप टेन इज इक्वल टू साइन और कॉस और इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा ओवर कॉस एक्स आएगा और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव साथ होगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है तो यहाँ पे वन अपेयर हो गया लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो साथ हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे अपेयर होगा यहाँ पे टेम्परेचर है तो यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी एंगल की तो ये रही हमारे पास हीट कैपेसिटी रेल वर्ल्ड में आपके पास दो तरह के पैर मैगनेट्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दूसरा एटॉमिक न्यूक्लियर की वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैट पैरामेटिज्म की बात करें तो वो अगर होता है इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम की वजह से ऑर्बिटल है स्पिन जो कि कंपनसेटेड ना हो अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो उसका जो सर्कुलर करंट होता है वो ग्रेज करता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को और इसका की जो डायपोल मोमेंट होती है उसकी पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास सम इंटीजर मल्टीपल ही होती हैं और डिपेंड करता है एक टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एटम में अंदर जो है या मॉलिक्यूल में वो क्या है और सिंपल केस है इसमें जब आपके पास टू स्टेट्स सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन की वजह से अगर आपके पास स्पिन बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कंपन कमप, सेटेड नहीं हुई तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और उसकी वजह से आपके पास आएगा टू स्टेट पैरामैग्नेटिज्म ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है लेकिन सम uh, एनवायरमेंट में हमारे पास वो ज्यादातर कोइन छोड़ जाता है नेबियन एटम की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक आप टू स्टेट पैरामीटर की बात करें तो उसके पास जो वैल्यू है म्यू की जिसे मैगनेटॉन कहते हैं वो इज इक्वल टू है नाइन पॉइंट टू सेवन फोर टेस्ला और फाइव पॉइंट एट जो है, है। यहाँ पे एम हमारे पास इलेक्ट्रॉन uh, का मैस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और फोर हमारे पास कॉन्स्टेंट है वन टेस्ला uh, बहुत uh, जी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है अगर आप वन टेस्ला आप फील्ड uh, प्रोवाइड करें तो म्यू बी की वैल्यू होगी 5.8 पॉइंट एट मल्टीपाइड पावर माइनस फाइव बेसिकली मैं इस एक्सप्रेशन को देखना चाह रहा हूँ म्यू बी और के टी तो म्यू बी की वैल्यू होगी 5.8 पॉइंट एट मल्टीपावर टेंट पावर माइनस फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली ये वाली लेकिन रूम टेम्परेचर का अगर आप के वैल्यू लो तो वन ओवर फोर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो इन दोनों का अगर वो स्मॉल होगा तो इन टेम्परेचर के लिए जैसे कि रूम टेम्परेचर है हम एज्यूम कर सकते हैं कि म्यू बी और के टी या फिर के टी इज मच लार्जर देन म्यू बी इस लिमिट में टेन हाइपरबोलिक बॉलिक एक्स को आप ले सकते हैं सिर्फ एक्स और तो मैग्नेटाइजेशन आपके पास होगी टेन जाता रहेगा और सिर्फ उसका आ जाएगा आर्ग्यूमेंट और आर्गुमेंट हमारे पास ये है ओवर है, और ये कब पॉसिबल है जब हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करती हो इसको हम कहते हैं क्योरे जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था पैरे क्योरे ने तो इसको हम कहते हैं क्योरे लॉ और ये हमें बताता है कि मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर और सिर्फ ये टू स्टेट इलेक्ट्रॉन ये टू स्टेट जो सिस्टम है पैरामैग्नेट उसमें होल्ड नहीं करता बल्कि तमाम किस्म के पैरामैग्नेट्स में होल्ड करता है लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शो की गई है फॉर रेल टू स्टेट मैनेट की और ये है बेसिकलीगेनिकल एस डी बी पी एच और ये है अल्फा अल्फा प्राइम डी क्राइल हाइड्रोजाइल है ये जिसमें हमने इंटरेक्शन मिनिमाइज करने के लिए डेलीपोज के दरम्या में हमने इसे डायल्यूट किया है बेंजीन के साथ टू तो फॉर्म वन वन रेश क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स तो ये रिजल्ट आप देखें लो टेम्परेचर में ये शो कर रहे हैं कि जो हमारी प्रोडिक्शन है थेटिकल वैल्यूज हैं और क्यूरिज लॉ जो स्ट्रेट लाइन हमें शो करती है वन ओवर टी के क्रॉसपॉन्ड वो बिल्कुल क्रॉसपॉन्ड करते हैं लेकिन जैसे आप टेम्परेचर लेके जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो ये दोनों जो हैं, एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। अगर आप न्यूक्लियर पैरामैग्नेट की बात करें तो टिपिकल वैल्यू जो होती है आपके पास म्यू की आप वो फाइंड कर सकते हैं बोर्न मैगनेटोन उसमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रिप्लेस करना होगा मैस ऑफ प्रोटोन के साथ तो ये काम करेंगे आपके पास और एग्जेक्टली exactly ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन एम ई की जगह पे आप एम पी पुट कर दें मैथ प्रोटोन तो आपके पास बोहर मैगनेटॉन आ जाएगा प्रोटोन का तो अब प्रोटोन इज नियरली टू थाउजेंड टाइम्स है इलेक्ट्रॉन तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का बोर्ड मैगनेटॉन है और तो वो टू थाउजेंड टाइम्स उसकी वैल्यू कम होगी जो प्रोटोन का है क्योंकि मैथ दोनों मैथ का रिलेशन और बोर्ड मैगनेटोन का रिलेशन दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हमें ये बताता है प्रोटोन इज नियरली टू थाउजेंड स्मॉलर फॉर फैक्टर ऑफ अबाउट टू थाउजेंड तो ये इसका जो म्यू होगा वो भी टू थाउजेंड फैक्टर से स्मॉल होगा और इसका मतलब ये है कि सेम डिग्री ऑफ मैनेटाइजेशन जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से थी वो अचीव करने के लिए आपको मैनेटाइजेशन है वो टू टाइम्स हायर टू थाउजेंड टाइम्स हायर करनी होगी या फिर आपको टेम्परेचर टू थाउजेंड टाइम था। लोअर करना होगा सेम मैग्नेटाइजेशन अचीव करने के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन की है तो इस तरह के एनालिसिस आप बाकी पार्टिकल अगर उनकी भी मैग्नेटिक मोमेंट है और पैरामैग्नेटिक बिहेव करते हैं तो उनमें भी ये कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि पैरा मैग्नेटिज्म क्या है और इसका इसके फीचर्स देखिए न्यूमेरिकली भी एनालिटिकली भी और इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं जो कि सॉलिड में और मोरटा में कायल गैस में अपेयर नहीं होती थी जैसे कि एक्यू पार्टीशन यहां यहाँ पर होल्ड नहीं करता हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है नेगेटिव टेम्परेचर क्यों अपेयर होता है और इस तरह की चीज़ें